नमस्कार, मैं शिवांग द्विवेदी और इस वक्त हमारी लोकल 18 की टीम मौजूद है सतना के खखरा धाम में, जो कि कोठी बाईपास के काफी निकट है। फैमिली विजिट के लिए काफी अच्छी प्लेस है और इसका जो धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है वो काफी गहरा है। लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो शिवलिंग है खखरा धाम में, खुद से उत्पन्न हुए थे, उसके बाद यहाँ पे मंदिर का निर्माण कराया गया और उसके बाद इसकी ख्याति और बढ़ती गई। यहाँ पे एक संचालन करता है इस मंदिर के, हम उनसे बात करेंगे। हमारा नाम मुकेश कुमार दाहिया है, हम बगहा में रहते हैं। पहले यहाँ कुछ नहीं था, केवल बेल के पेड़ थे, ये केवल एक मंदिर था, एक मंदिर। फिर अभी जो है यह है, उनके यहाँ हम काम करते हैं, उन्होंने बोंडी ओंडी कराया और यहाँ भोलेनाथ खुद ही अपने रक्षा कर लेते हैं, भोलेनाथ खुद ही अपने भक्तों को बुला लेते हैं। ये कहानी के बारे में बताइए, जो आपने सुना है कि अपने से उत्पन्न हुए, इसके बारे में कुछ बताइए। कितने साल पहले, लगभग एक अंदाजा? करीब 100 से 200 साल पहले तो पुराने ही शंकर जी हैं। तो अभी जैसा यहाँ पे माहौल काफी दूर है ये सतना से, तो इसका जो देख रेख करता है कोई पुजारी, कोई पंडित यहाँ पे नियुक्ति जिनकी हुई हो? यहाँ भैया भक्त ही पुजारी हैं, भक्त पूजा करते हैं, भक्त आप अपने आप भोलेनाथ बुला लेते हैं। मतलब जब से ये बना है 100 साल से ऊपर जैसा आप कह रहे हैं, तो तब से कोई पुजारी यहाँ पे नहीं? जब से कोई पुजारी यहाँ नहीं है, यहाँ स्वयं भक्त ही पूजा करता है, भक्त ही पंडित। अभी हमारे सामने ही करीब आज से 6-7 साल पहले की बात है, यहाँ जो बिजली नहीं तड़कती, जिसको बोलते अपन गाज गिरी, यहाँ मंदिर के बीच सेंटर पे गाज गिरी। थोड़ा सा कोनमा लगा है, यहीं 10-20 लोग बैठे थे, यहाँ पूरे आपके बेल के पेड़ थे, यहाँ पहले जंगल था। अभी 2-3 साल पहले हो गया है, 6-7 साल पहले जब गाज गिरी थी, सीधे समागे थे, यहाँ किसी खरोंच नहीं आए। कई लोग सपना से क्या है, आपके रीवा से, आपके सज्जनपुर से भी आते हैं, लेकिन रास्ता के कारण, जो ये रास्ता है ना, ये आप जहाँ खड़े हैं तो नगर निगम है, वार्ड नंबर 4। नगर निगम लगने के बाद भी यहाँ पे अभी तक रास्ते का निर्माण नहीं हुआ, जबकि इतनी ख्याति, इतना मशहूर ये खखरा धाम है। यहाँ अपील जो भी मतलब चुनाव लड़ते हैं, जैसे सिद्धार्थ भैया लड़े, आपके शिवा भैया भी लड़े, आपके गणेश सिंह भी लड़े, ये सब आते हैं, हम जीतेंगे तो रोड बनवाएंगे। सिद्धार्थ भैया ने भी बोला था, तो हम जीतेंगे तो यहाँ से यहाँ तक रोड बनवाएंगे, जो कि यहाँ से यहाँ तक पूरी सरकारी जमीन है। विधायक की बात कर रहे हैं आप? सतना के विधायक की भी बात कर रहे हैं। अब तो महापौर जी के पास गए हैं, तो बोले हाँ टेंडर भी पास हो गया है, 1 करोड़ कितने लाख का टेंडर भी यहाँ से वहाँ तक RCC के पास हुआ है, लेकिन कोई काम ही नहीं। बरसात के बाद होगा, बरसात के बाद फिर हो गया, 2 साल से ऐसे चल रहा है। जैसा कि देखा जा रहा है कि 2 किलोमीटर तक का सफर करके आना पड़ता है कोठी रोड से यहाँ तक का, और अभी तक मतलब पैदल चलने में भी लोग असहमति महसूस करते हैं। भैया अगर ये रोड बन जाएगी, आपकी ये रोड बन जाएगी, तो हर सामान में यहाँ से वहाँ तक कम से कम लाइन लगी रहती है, पब्लिक की। भैया पब्लिक की, इतने से पेंट कोई उतारा है, कोई साड़ी समेटा है, हर लेडीज हर बच्चे आते हैं सामान में। मुरैना से है, महेंद्र सिंह बघेल है। बहुत पहले मैंने सुना था, तो मैं आया भगवान के दरबार में, शिव जी के में, तो एक दो बार आया था, जो मेरी मान्यता थी वो पूरी हो गया, तो इसलिए मैं तो तीसरी बार। हम पंचे देखें, पहले छोट रहे, फिर इसके बाद बड़े होएगी, और पानी न बरसे तो गांव के बांध के दरवाजा बूढ़ा में लगे रहे शंकर जी का, तो पानी आपसे आप झीरे लाख, शंकर जी नहीं बूढ़े। आज 40 साल के बाद दिया है, पने से उत्पन्न भी हैं, और बगहा के मुखिया साहब कहावत है, उन्हें का जमीन हमें 15-16 के रहन है, जब हमें देखें है तो ये 3 रहे हैं, अनादिया उत्तीन का उत्तीन है, जितने पहले रहे हैं नादिया बाबा जंग बने हैं। हाँ बड़े हो गए। हाँ पहले इतने रहे, कहाँ बढ़ते हैं देखे हैं। हाँ बताए थे कि जब छोट छोट रहे, इतने रहे, अब तो इतने बढ़ गए। बस है तो सुन के देख के जाते, फिर भंडारों करते कि अच्छा इनमें शक्ति है शंकर जी में। बस्ती वाले सब लगे हैं कि रोड हमका चाहिए, बताई यहाँ कांदा की मच जात है। अब दूध वाले डेरी खोले हैं, तो गाड़ी कढ़ियाला जाते दूध के डब्बा टांगे, बताई तो सब आकोषित में लगे हैं, जितने यहाँ बसे हैं ललाई मझगामा चौधरी। लोकल 18 के लिए शिवांग द्विवेदी की रिपोर्ट, सत्ता।